अस्सलाम वालेकुम। तो ये दो कैंडिडेट का और का कराची का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ए फिटनेस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एक हैदराबाद से है, दूसरी कराची से हैं। तो ये मुकम्मल उन्होंने एक जो है वो रिकमेंडेड कैंडिडेट का जो है वो ये एक्सपीरियंस है, आप इसको पढ़ लें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आप इसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का जो है ये इंटरव्यू हो रहा है। तो चलें जी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सवालात को, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए जाएं। एक जब रिकमेंडेड कैंडिडेट का कोई एक्सपीरियंस मिल जाता है या कोई पास किया हुआ, जिसने टेस्ट पास किया वो कैंडिडेट हमें मिल जाता है, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक बैकअप मिल जाता है उस चीज़ का कि यार ये जिस तरह से रिकमेंड ये हुए हैं उस तरह से हम भी जो है वो इसी तरह से रिकमेंड हो सकते हैं, उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए, उन चीज़ों पर अमल करते हुए। ये दूसरी है सैयदा बिस्मा जाफरी, तो ये भी कराची से रिकमेंडेड हैं, ये भी दूसरी कैंडिडेट हैं, ये भी रिकमेंड है मतलब। तो ये आपने पढ़ लेना है इनका मुकम्मल जिस तरह से हुआ है, मतलब इनका काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ है इंटरव्यू। तो इसी तरह से मतलब पूछते हैं अपने फैमिली के रिलेटेड, ये यहाँ पे देखें व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डाइजेशन अकर्स इन आवर बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंक्शंस, मतलब बॉडी पार्ट्स में जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि रिलेटेड ही इसी तरह के नर्सेज होती हैं ना, क्योंकि ये तो इसी के रिलेटेड ही फील्ड है, तो यही पूछने हैं उन्होंने। तो ये आपने ये माइंड में रख के जाना है, ये फंक्शन ऑफ डिडोनम उनका एक क्वेश्चन, ये सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है उन्होंने इंजाइम्स के बारे में, इंजाइम्स किस तरह से हमारे स्टमक में काम करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, कौन से इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारा मतलब उन्होंने लिखा गया है। तो यहाँ पे सारा कुछ है। वो कंफ्यूज भी आपको करना चाहेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब नॉर्मल रहना है बस, आपने वो कोई बलाएँ नहीं होती, बस आपको चेक कर रहे होते हैं, एक दोस्ताना माहौल रखते हैं उन्होंने आपसे, उन्होंने तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने यही समझना कि ये मेरे सामने एक दोस्त बैठा है और मुझसे एक नॉर्मली क्वेश्चन कर रहा है। बाकी अगर वो कोई मजाक की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने ज़्यादा हंसना नहीं है, बस नॉर्मल से मतलब कि आपको उनको ये फील कराना है कि आप ना ज़्यादा खुश हैं ना ज़्यादा रंज में हैं या गम में हैं, तो इस तरह से नॉर्मल रहना होता है बस। तो ये आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं दो कैंडिडेट का। वीडियो लाइक कर लें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।